हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको मोमोज बना के दिखाऊंगी। सबके लिए मैंने कुछ जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो मैं आपको दिखाती हूँ। ये है मैदा, और ये मैदा जो है हम इसे मोमो के बनाने के लिए आटा सानेंगे। और ये मोमो में जो हम मोमो में फिलिंग करने के लिए ये सारी चीज़ों का इस्तेमाल करेंगे हम। इसमें है प्याज, लहसुन छोटे छोटे से सबको काट लेंगे, गाजर, अदरक, हरी मिर्च, धनिया और पत्ता गोभी यानी कैबेज। इसमें चाहे तो आप और भी चीज़ें ऐड कर सकते हैं, जैसे शिमला मिर्च, और भी अगर कुछ ऐड करना सकते हैं तो आप कर सकते हैं। तो चलिए पहले हम मोमो के लिए आटा गूंथ लेते हैं। ये है मैदा, इसमें हम थोड़ा सा, आप जितना आपको मोमो बनाना है उसके हिसाब से आप मैदा ले लीजिए। थोड़ा सा इसमें नमक सॉल्ट डालेंगे अपने स्वाद के अनुसार, थोड़ा सा ऑयल डालेंगे रिफाइंड ऑयल, इसको हम मिलाकर फिर इसको हम गूंथ लेंगे। और ना बहुत पतला गूंथेंगे और ना ही बहुत मोटा आटा रखेंगे। अब ये गूंथ के आटा तैयार हो गया, डो तैयार हो गया। अब इसके ऊपर हम थोड़ा सा ऑयल लगा के इसको 15-20 मिनट के लिए ढक के रख देंगे। तब तक हम फिलिंग के लिए प्रिपरेशन कर लेते हैं। अब हम जैसे कि हम फिलिंग तैयार करेंगे उसके साथ ही हम चटनी भी तैयार करेंगे। रेडीमेड सेजवान चटनी भी आती है, बट अगर हमारे पास, जैसा आप सब लोग जान रहे हैं, लॉकडाउन चल रहा है, कोई भी चीज़ हम जा नहीं सकते लेने, तो हम घर पे ही इसको प्रिपेयर करेंगे। इसके लिए क्या करेंगे, हम ये 3 टमाटर लेंगे, लाल मिर्च और अदरक, लहसुन, सॉस और विनेगर। तो पहले क्या करेंगे, ये टमाटर को हाफ हाफ काट के बॉइल करने के लिए हम पानी में रख देंगे। हम इसे गैस पे चढ़ा देंगे बॉइल होने के लिए, और इसी में हम मिर्च भी डाल देंगे बॉइल करने के लिए। एक 8 पीस लाल मिर्च है। अब आप जितना तीखा चाहे उस हिसाब से आप मिर्च को बढ़ा भी सकते हैं। ये बॉइल होने के लिए हम रख देंगे, और दूसरे साइड हम मोमोज की फिलिंग के लिए हमने कढ़ाई रख दिया है। अब इसमें तेल डालेंगे, इसमें हम ऑयल डालेंगे, फिर ऑयल गर्म होने के बाद इसमें सबसे पहले हम हरी मिर्च, लहसुन, अदरक, थोड़ा सा हम हल्का सा भून जाए उसके बाद सारी चीज़ें हम डालेंगे। हल्का सा फ्राई हो जाएगा फिर हम डालेंगे प्याज, बिल्कुल छोटे छोटे काटने हैं आपको, इससे फिलिंग करने में दिक्कत ना हो। फ्राई करेंगे और दूसरे फ्लेम पे मैं बॉइल कर रही हूँ टमाटर और लाल मिर्च को। थोड़ा सा हल्का सा जब फ्राई हो जाएगा तो बाकी हम इसमें चीजें डालेंगे। अभी सब्जियों को हम डाल के मिक्स करेंगे और इसमें और भी चीज़ें डालेंगे, और कोशिश करेंगे कि ये ज़्यादा ओवर फ्राई ना हो, हल्का सा ही सारी चीज़ें फ्राई करेंगे। तो इसमें हम नमक डाल देंगे और इसको ढक के रख देंगे जिससे कि थोड़ा जल्दी से सब्जियाँ गल जाए। ये
जो चटनी थी ये बॉयल हो गई है, अब इसको हम यहाँ थोड़ी देर में निकाल लेंगे। हम लोग इसको चेक कर लेते हैं एक बार, इसमें हम और भी चीजें डालेंगे। थोड़ा सा हम डालेंगे गुड़ मिर्च भूकी हुई, थोड़ा सा जीरा पाउडर डाला है बहुत हल्का सा बस फ्लेवर के लिए। इसको हम फिर ढक के रख देंगे थोड़ा सा और ये हो जाए, उसके बाद हम इसमें सोया सॉस डालेंगे। फिर वो निकाल लेंगे पानी में से टमाटर को, मिर्चा भी निकाल लेंगे इसका, और टमाटर के ऊपर जो ये परत है ये ऐसी, ये इसको हम निकाल लेंगे। सारे टमाटर की परत को हम निकाल लेंगे सभी को, और उसके बाद ग्राइंड कर देंगे। इसका पानी पूरा लगभग सूख गया है, जिसमें हल्का सा हम सोया सॉस डाल देंगे। और कुछ नहीं करना है हमको, बहुत ज्यादा नहीं पकाना है, फ्लेम को बंद कर देंगे और इसको ठंडे होने के लिए रख देंगे, जिससे कि इसको फिल कर सके हम आटे में। इसमें अब हम ठंडा करने के लिए रखा, और इसी में हम धनिया ऊपर से डाल देंगे, जब ये ठंडा हो जाएगा तब हम मोमोज को फिल करेंगे। अब हम इस चटनी को जो हमने बॉईल किया था इसको हम अब ग्राइंड कर लेंगे। ग्राइंड हो गया है अब ये, इसको हम ले लेंगे। अब इसको हम छौंक लगाएंगे। गैस की फ्लेम ऑन की है मैंने, अब इसमें हम चटनी को छौंकेंगे। जो मैंने जिसमें फिलिंग के लिए तैयार किया था मोमो के फिलिंग के लिए, उसी कढ़ाई में मैं चटनी को छौंक रही हूँ। सबसे पहले इसमें हम डालेंगे लहसुन, फिर अदरक, अभी भुन गया है, अब इसमें हम जो ग्राइंड किया था चटनी वो डाल देंगे। इसमें हम नमक डालेंगे अपने स्वाद के अनुसार, और इसको पकाएंगे थोड़ा सा ठीक हो जाए, गाढ़ा हो जाए। थोड़ा सा पानी डाल देंगे जो हम ग्राइंड किया था उसमें बचा था, वो पानी डाल देंगे और ये पकेगा, जब ठीक हो जाएगा तेज फ्लेम पे रख देंगे। थोड़ा सा पक जाएगा पानी, थोड़ा ये सोख लेगा, गाढ़ा हो जाएगा, इसमें हम विनेगर और सोया सॉस डालेंगे। अभी ठंडा हो गया है, अब हम मोमो बनाएंगे, तो लोई बना लेंगे, इसको बेलेंगे थोड़ा सा ऑयल लगा के, साइज आपको जितनी रखनी हो। अब इसमें फिर ऐसे से राउंड राउंड स्पेशल, इस तरह से करके इसको ऐसे चपटा कर देंगे। इसी तरह से हम सारे मोमोज को बना लेंगे। इसका पानी लगभग सूख गया है, ठीक हो रहा है, और इसमें हम थोड़ा सा सोया सॉस डालेंगे, बहुत ज़्यादा है, थोड़ा सा विनेगर, मैं भूल गई थी बताना आपको, इसमें आप थोड़ा सा शक्कर भी डालेंगे आधा चम्मच। अब यहाँ पे मैंने पानी रखा है बॉयल करने के लिए, जिसको स्टीम पे बनाने के लिए, और अब ये मोमो मैंने रख दिया है, अब इसको हम इस पे रखेंगे।
इसको हम प्लेट से ढक देंगे, 10 मिनट के लिए इसको हम बॉयल करेंगे। दोस्तों ये मोमोज तैयार है चटनी के साथ, अब आप इसे गरम गरम इंजॉय करें। और अगर आपको हमारी रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर। थैंक यू।